بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه اجلالا واكراما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व करम है, उसका अज़ीम एहसान है कि उसने हमको ताजदार कायनात हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्मत में पैदा फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आज तक ज़िंदा रखा, अपने अहकाम को हम तक पहुंचाने के लिए कुरान मजीद जैसी अजीम नेमत से हमको मालामाल फ़रमाया, अहादीस शरीफ़ा हमको अता फ़रमाए और आज अल्लाह तबारक व ताला ने हमको एक ऐसी मुबारक रात अता फ़रमाई जिसकी फजीलतें, जिसकी अजमतें, जिसके अंदर मौजूद रहमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यह शब बरात है, यानी छुटकारे की रात है, आज़ादी की रात है, मगफिरत की रात है, नजात की रात है, जहन्नम से आज़ाद होने की रात है, तौबा करने की रात है, अल्लाह की बारगाह में रुजू करने की रात है, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करके अपने गुनाहों का एतराफ़ अल्लाह की बारगाह में करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से रहमतें और मगफिरतें हासिल करने वाली रात है, अल्लाह से दुआएँ करने वाली रात है। गरज़ के आज की जो रात है जिसको हम शब बरात कहते हैं, ये बहुत ही अज़ीमुशान रात है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमको शब बरात की मगफिरतों से मालामाल फ़रमाए, इस रात में मौजूद रहमतों से अल्लाह तबारक व ताला मालामाल फ़रमाए और अल्लाह तबारक व ताला आज की रात जो हमारे तकदीर की लिखे जाने वाली रात है, तकदीर लिखे जाने वाली रात है और तकदीर के फ़ैसले किए जाने वाली रात है, तो अल्लाह तबारक व ताला अच्छा से अच्छा फ़ैसला फ़रमाए, अल्लाह हमारी उम्रों में इजाफ़ा फ़रमाए, नेकियों में अल्लाह तबारक व ताला इजाफ़ा फ़रमाए, नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए, गुनाहों से अल्लाह तबारक व ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए, हलाल रिस्क अता फ़रमाए। ये तमाम दुआएँ अल्लाह तबारक व ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से अल्लाह तबारक व ताला कबूल फ़रमाए। हमेशा हम शब बरात के फ़ज़ाइल तो सुनते रहते हैं, मसाजिद के आइम्मा किराम से सुनते हैं, उलेमा इज़ाम से जलसों में सुनते हैं और शब बरात में अल्लाह तबारक व ताला किस तरह आसमान दुनिया पर अपना नुज़ूल इजलाल फरमाता है, किस तरह बंदों को निदा लगाता है, किस तरह अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमतों को नाजिल फरमाता है, रहमतों में इजाफ़ा फरमाता है, ये तमाम के तमाम चीज़ें तो हम हर साल शब बरात में किसी न किसी से सुनते रहते हैं। आज खुसूसी खिताब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस खिताब के अंदर हम शब बरात या माह शाबान के फ़ज़ाइल नहीं बयान कर रहे हैं और इस रात की जो अजमतें हैं, जो इस रात के अंदर जो रहमतें हैं वो नहीं बयान कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर व बाहिर है और अहादीस शरीफ़ा से, रिवायात से, सलफ़ सालिहीन के अक़वाल से, तमाम उम्मत मुस्लिमा पर ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर हैं। चंद मुख्तसर लेकिन अहम चीज़ों की तरफ आपको तवज्जो दिलाकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। इस खिताब का उन्वान हमने रखा है शब बरात क्या करें क्या ना करें, यानी आज की रात में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। मुख्तसरन ये चंद बातें आपकी खिदमत में रखेंगे क्योंकि ये रात आने से पहले अगर हमको ये बातें पता चल जाती हैं कि क्या करना है तो हम इस रात में वो काम कर सकते हैं, और अगर ये बातें पता चल जाती हैं कि क्या नहीं करना है तो हम उन नहीं करने वाली चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये पहले तो याद रख लीजिए, ये आम रातों की तरह कोई रात नहीं है जिसको गफलत में गुजार दिया जाए, आम रातों की तरह कोई रात नहीं है जिसको लापरवाही में गुजार दिया जाए, सोकर गुजार दिया जाए या यूं ही अल्लाह को भूल कर गुजार दिया जाए, ये कोई ऐसी वैसी रात नहीं है बल्कि ये बहुत ही मुबारक रात है, अज़ीमुशान रात है, रहमतों वाली रात है, बरकतों वाली रात है, मगफिरतों वाली रात है, जहन्नम से अपने आप को नजात करवा लेने वाली रात है। लिहाजा आज की रात गफलत नहीं बरतना चाहिए, आज की रात हमको गाफिल नहीं रहना चाहिए बल्कि आज की रात अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके, अल्लाह की बारगाह में रुजू करके, अपने आप को एक मुजरिम की तरह अल्लाह की बारगाह में पेश करके, अपने गुनाहों का एतराफ़ करके अल्लाह तबारक व ताला से
مغفرت لینی ہے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کی رات کیا کیا کرنا چاہیے اس پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کیا نہیں کرنا چاہیے اس پر تھوڑا سا غور کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج کی رات جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اور ہم سنتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر فجر کی وقت تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر، یعنی ہماری اپنی دنیا سے جو پہلا آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے، اس آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرما کر اپنی شان کے مطابق یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے تو مغفرت مانگ لو، آج کی رات مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے، کشادگی چاہتا ہے، تو وہ مجھ سے اپنا رزق مانگ لے، میں اس کو اب رزق میں کشادگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو وہ مبتلائے مصیبت، وہ مبتلائے غم وہ آ جائے اور آج میری بارگاہ میں رجوع کر لے، آج مجھ سے دعا کر لے، میں اس کے پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہ ندا لگاتے رہتا ہے۔ تو پہلا کام تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کی اس ندا پر ہم کو توجہ دینی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب یہ ندا خود دینے والا لگا رہا ہے تو ہم کو اللہ تبارک و تعالی جب یہ موقع دے رہا ہے تو اس موقع سے ہم کو استفادہ کرتے ہوئے فوراً اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لینی چاہیے۔ فوراً سب سے پہلا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ توبہ کہتے ہیں اللہ کی طرف پلٹ جانے کو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ کب تک ہم دنیا کی گندگیوں میں رہیں گے، کب تک دنیا کی غلاظتوں میں رہیں گے، کب تک اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، کب تک شیطان کے وسوسوں میں آتے رہیں گے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، نفس بھی ہمارا دشمن ہے، کب تک ہم یہ تمام چیزوں میں رہیں گے؟ اب تک جو غفلت میں زندگی گزری سو گزر چکی، اب آگے کی زندگی ہماری قرآن و حدیث کے تحت کرنے کے لیے، شریعت مطہرہ کے تحت ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے مرضی اور منشا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے، اب ہم کو چاہیے کہ اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں کہ پھر آئندہ کبھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں، ایسی توبہ کریں کہ آئندہ کبھی ہماری توبہ ٹوٹے نہیں۔ توبہ کے اندر تین چیزیں ہونا ضروری ہے، اسی وقت اس کو توبہ کہتے ہیں، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے، بس ایک زبانی جمع خرچ ہے جو ہم اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ توبہ کے اندر کیا تین چیزیں ضروری ہیں؟ ایک تو یہ کہ ندامت ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیا گناہ کر دیا، میں نے کس کی نافرمانی کر دی، میں نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کر دی، کس رب کریم کی بارگاہ میں میں یہ گناہ کر بیٹھا۔ تو پہلے تو اپنے گناہوں پر، اپنے خطاؤں پر ہم کو ندامت اور افسوس ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک قلب کے اندر ندامت پیدا نہیں ہوگی، افسوس پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک بندہ توبہ کی طرف کو توجہ نہیں کرے گا۔ جب تک کہ اس کو اپنے نقصان کا احساس نہیں ہوگا وہ توبہ کی طرف نہیں آئے گا۔ اب وہ نقصان کا، خسارے کا احساس قلب کے اندر کیسے پیدا ہوگا، وہ ندامت، وہ افسوس قلب کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ تو پہلے تو غور کریں کہ میں کس کی نافرمانی کیا ہوں، کیسے پروردگار کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، کس مولا کی میں نے معصیت کر دی ہے، اس پر غور کریں۔ پھر جہنم کے عذابات اور اس کے جو درکات ہیں، جہنم کے جو طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالی نے سزائیں تیار کر کے رکھی ہیں، اس کو پیش نظر رکھیں اور اس پر غور کریں کہ اگر میں نے یہ نافرمانیوں کو ترک نہیں کیا، گناہوں سے باز نہیں آیا، تو مجھے آخرت میں جانے کے بعد دوزخ میں جلنا پڑے گا اور طرح طرح کے عذابات ہیں۔ پھر اللہ کی نافرمانی کا خیال پیدا کریں، پھر اس کے بعد اللہ کے احسانات کو پیش نظر رکھیں کہ جو محسن پروردگار اتنے سارے احسانات میرے اوپر کیا ہے، کیسے اس محسن پروردگار کی میں نافرمانی کر سکتا ہوں؟ تو غرض کئی سارے وجوہات ہیں جس سے ہمارے قلب کے اندر ایک افسوس اور ایک ندامت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو پہلے تو یہ ندامت پیدا ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ توبہ کا پہلا قدم ہے۔ جب یہ ندامت پیدا ہوگی، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے توبہ کے اندر کہ فی الفور ان گناہوں کو ترک کر دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ چلو اس مرتبہ گناہ کر لوں گا، آئندہ دیکھا جائے گا، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کیا ہے؟ فی الفور ان گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑا لیا جائے، فی الفور ان خطاؤں سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے۔ تو پہلے تو ندامت آنی چاہیے، افسوس آنا چاہیے قلب میں۔ دوسرا یہ ہے کہ فی الفور اسی وقت ان گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ آگے والی زندگی میں، مستقبل میں، فیوچر میں کبھی بھی ان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہیں آؤں گا، ایسا پکا ارادہ اور عزم کرنا چاہیے۔ تو ندامت ہو، اقلاع ہو، یعنی اپنے آپ کو گناہوں
से दूर कर दें, गुनाहों को बिल्कुल निकाल कर फेंक दें, और तीसरा ये है कि आज़म हो कि मैं मुस्तकबिल में कभी पलट कर फिर ये गुनाह नहीं करूँगा। ये तीन चीज़ें जब पाई जाती हैं उस वक्त तौबा का तसव्वुर मुकम्मल होता है। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाना चाहिए। इस्तिग़फ़ार की और तौबा की बहुत सारे फजीलतें कुरान मजीद में और हदीस शरीफा में आई हैं। अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद आता है कि जब कोई बंदा इस्तिग़फ़ार करता है। लिहाजा अब वो फ़ज़ाइल आपके सामने बयान करने का वक्त नहीं है, मैं मुख्तसरन सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला काम तो करने का ये है आज की रात में कि तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में एक बहैसियत मुजरिम के पेश करें, अपने गुनाहों का एतराफ़ करके अल्लाह के सामने अल्लाह से माफ़ी मांगें। तो ये माफ़ी और मग़फ़िरत ये आज पहला करने का काम है। दूसरा करने का काम ये है कि आज की रात दुआएं करें, रिस्क में बरकत के लिए दुआ करें। रिस्क का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं होता, एक ज़ाहिरी रिस्क है, एक बातिनी रिस्क है। रिज़्क जो ज़ाहिरी है वो खाना पीना है जिसके ज़रिए हमारा माश चल रहा है, ये तो एक ज़ाहिरी रिज़्क है, लेकिन एक बातिनी रिज़्क भी होता है। बातिनी रिज़्क क्या है? वो अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह की मोहब्बत है, वो हमारे रूह की ग़िज़ा है। देखिए, एक जिस्म की ग़िज़ा है खाना पीना, एक हमारे कल्ब की ग़िज़ा है। कल्ब की क्या ग़िज़ा है? अल्लाह की याद है। हमारा जिस्म जैसे ग़िज़ा को पसंद करता है, तलब करता है, ग़िज़ा का तकाज़ा करता है, उसी तरह हमारा कल्ब भी अपनी ग़िज़ा को तलब करता है, अपने ग़िज़ा की तलाश में रहता है। तो कल्ब की ग़िज़ा क्या है? कल्ब की ग़िज़ा अल्लाह को याद करना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है। इसी तरह हमारी रूह की भी एक ग़िज़ा है, हमारी रूह को भी रिस्क की ज़रूरत है। वो क्या है? अल्लाह का दीदार, अल्लाह की पहचानत, अल्लाह का इश्क, ये रूह की ग़िज़ा है। तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है आज की रात कि है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसके रिस्क में इजाफ़ा करूँगा, उसको रिस्क अता करूँगा। तो उसका मतलब सिर्फ ज़ाहिरी खाने पीने का रिस्क नहीं है, बल्कि ज़ाहिरी रिस्क के साथ साथ हमको क्या मांगना चाहिए? कल्ब का रिस्क भी मांगना चाहिए, यानी अल्लाह से अल्लाह के ज़िक्र की तौफीक मांगनी चाहिए, अल्लाह की याद की तौफीक मांगनी चाहिए। फिर रूह की ग़िज़ा भी अल्लाह से मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, जिस तरह जिस्म की ग़िज़ा देने वाला तू है, कल्ब की ग़िज़ा देने वाला तू है, इसी तरह रूह की ग़िज़ा भी देने वाला तू ही है। रूह को उसकी ग़िज़ा अता फरमा, यानी तेरा दीदार अता फरमा, तेरी मारिफत अता फरमा, तेरी पहचानत अता फरमा, तेरा क़ुर्ब अता फरमा, तेरी मोहब्बत और तेरा इश्क अता फरमा। ये भी रिस्क में हमको इजाफे की दुआएं मांगना चाहिए। ज़ाहरी और बातनी हर तरह का रिस्क अल्लाह तबारक व ताला देने के लिए तैयार है, हमको आज की रात अल्लाह से मांगना चाहिए। फिर उसके बाद हमको और जो नवाफिल की कसरत है वो करनी चाहिए, और उस रात में क़ियाम करने का तज़किरा हदीस शरीफ में आया। हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम व रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सुनन इब्न माजा की हदीस है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शाबान की दरमियानी रात आ जाए तो तुम उस रात को क़ियाम करो और अगले दिन रोज़ा रखो। तो उस रात को क़ियाम करो का क्या मतलब? क़ियाम का मतलब है रात भर जाग कर इबादतें करना, नमाज़ें अदा करना, नवाफिल की कसरत करना, इनको क़ियाम कहते हैं। तो हदीस शरीफ में वाज़ह तौर पर हुक्म आया है कि इस रात में हमको क़ियाम करना है, और बंदा सोकर तो क़ियाम नहीं कर सकता, जाग कर ही क़ियाम करता है, तो जागने का सबूत भी हमको हदीस से मिल गया। तो जाग कर इस रात इबादतें करना है। अब इबादतों में क्या करना है, अल्लाह उसके रसूल ने पाबंदी नहीं लगाई, वो हमारा इख्तियार है कि हम अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने अपने मिजाज के मुताबिक, हम जिस इबादत में हमारा दिल लगता है वो नफिल इबादत हम कर सकते हैं। कोई तिलावत कुरान मजीद करना चाहता है तो वो तिलावत में मसरूफ़ हो जाए, कोई नवाफिल की कसरत करना चाहता है तो वो नफिल नमाजों की तरफ अपने आप को मुतवज्जे कर ले, इसी तरह कोई दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता है बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े, कोई इस्तिग़फ़ार करना चाहता है तो वो इस्तिग़फ़ार करे, इसी तरह 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 के जो नेकियां हैं उन नेकियों के कामों में आज की रात को बसर करें। गफलत में और इधर उधर की बातों में और बेकार बातों में जागने का मतलब हम समझते हैं कि सिर्फ आँखों का जागना, नहीं, आँखों का जागना नहीं, जागने की रात का मतलब आँखों को जगाना नहीं है, दिल को बेदार करना है, दिल को जगाना है। जो दिल हमारा सोया हुआ है, जो दिल हमारा गफलत में है, बल्कि सोया हुआ नहीं बल्कि उसको मुर्दा कह देना चाहिए, मर चुका है कल्ब हमारा, उस मुर्दा कल्ब में जान डालनी है, उसको बेदार करना है, उसको जगाना है कि हकीकत में जागने की रात होगी। आँखों का जागना कोई जागना नहीं है। तो जाग रहे हैं तो इबादतों में जागें, मस्जिद के अंदर रहें, एतिकाफ़ की नियत कर लें और मस्जिद के अंदर रहें। जितनी देर मस्जिद के अंदर रहेंगे, एतिकाफ़ में हम रहेंगे, उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह के घर में रहेंगे, अल्लाह की तवज्जो रहेगी, अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन पर हमको
गौर करने की ज़रूरत है। नफिल नमाज़ें अदा करें, सलातुत तस्बीह अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत हो, दुरूद शरीफ हो, इस्तिगफार हो। इसी तरह वाज़ो नसीहत की अगर कोई बात करना चाहता है तो वो वाज़ो नसीहत की बातों में मसरूफ़ रहे, यानी अल्लाह के बंदों तक अल्लाह की बातों को पहुँचाए। तो ये तरह तरह के नेकियों के काम मगरिब से लेकर हमको फजर की नमाज तक अदा करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर इबादत कर लिए फिर चलो दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए। बाज़ जगह देखा गया है कि इन खुसूसी मौक़ों पर रात रात भर तक फजर तक होटलें खुली हुई रहती है। बड़े बड़े शहरों में होटलें खुली हुई रहती है। लोग ये समझते हैं कि चलो मस्जिद में बयान हो गया ख़तीब साहब का, इमाम साहब का, या मेहमान खुसूसी का बयान हो गया, तो बयान हो गया तो समझते हैं कि बस अब शब बरात का हक़ अदा हो गया, लिहाजा अब जो रात बच गई है इन बची हुई रातों को होटलों में सर्व करना चाहिए। तो कोई होटल की तरफ रुख कर रहा है, कोई गपशप लगा रहा है, कोई जो है तरह तरह के बेकार कामों में लगा हुआ है। तो इन बेकार कामों में लगने के लिए आज की रात नहीं आई है। आज की रात अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाकर, आंसुओं को बहाकर, अपने आप को अल्लाह के सामने एक मुजरिम बना के पेश करके अल्लाह की बारगाह से मगफिरतें लूटने वाली रात आज की रात है। लिहाजा ये तमाम बेकार कामों में मसरूफ़ होने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मगफिरतें और रहमतें हासिल करने की कोशिश हमको करना चाहिए। अब नहीं करने के काम क्या क्या है, नहीं करने के काम क्या क्या है, देखिए अहादीस शरीफ़ा के अंदर ये बात वाज़ह तौर पर आ गई है मुख्तलिफ अहादीस के अंदर कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला हर एक की मगफिरत फरमाता है, लेकिन वालिदैन की जो नाफरमानी करने वाला होता है, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला होता है, उनकी मगफिरत नहीं करता। एक मुसलमान के ताल्लुक से दिल में बुग्ज़ और कीना और हसद और जलन जो रखता है, अल्लाह ताला आज की रात उसकी मगफिरत नहीं फरमाएंगे। जिना करने वाले की आज की रात अल्लाह मगफिरत नहीं फरमाएंगे। शराब पीने वाले की आज की रात अल्लाह मगफिरत नहीं फरमाएंगे। शिर्क करने वाले की मगफिरत नहीं फरमाएंगे। ये तरह तरह की चीज़ें अहादीस शरीफ़ा में आई है। तो हमको ये करना चाहिए कि ये तमाम आदतें हमारे अंदर है या नहीं, इस पर गौर करना चाहिए। अगर ये आदतें हमारे अंदर हैं तो फिर आज की रात मगफिरत नहीं होगी, पहले इन आदतों को छोड़ना चाहिए। अगर किसी मुसलमान के ताल्लुक से हमारे दिल में हसद है, कीना है, तो पहले उस बुग्ज़ को, उस कल्ब के हिक्द को निकालना ज़रूरी है, वरना आज की रात मगफिरत नहीं होगी। हसद पैदा क्यों होता है साहब, हसद पैदा क्यों होता है? हसद कहते किस, किसी की नियामत को देखकर दिल में जलन पैदा होना। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क दिया है, किसी को माल दिया, किसी को दौलत दिया, किसी को एक ओहदा दे दिया, किसी को एक मनसब दे दिया, किसी को अल्लाह तबारक व तआला इल्म की दौलत से सरफराज फरमा दिया, वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम उसको देखकर दिल में हसद करते हैं, जलन पैदा होती है और दिल के अंदर बुग्ज़ रखते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये इसका अपना ज़ाती कमाल है, इसने अपने ज़ाती कमाल से दौलत हासिल कर लिया, इसने अपने ज़ाती कमाल से इल्म हासिल कर लिया, इसने अपने ज़ाती कमाल से शोहरत हासिल कर ली, मनसब हासिल कर लिया, लिहाजा हम उससे जलने लगते हैं। और हासिद जो होता है वो ये चाहता है कि जिसका हसद उसके दिल में है उसके ताल्लुक से चाहता है कि वो नेमत उससे ज़ाइल हो जाए, वो नेमत उससे दूर हो जाए। दौलत वाले से अगर हसद हो जाए तो हासिद, हसद करने वाला, ये चाहता है कि दौलत उससे ख़त्म हो जाए, छिन जाए, दूर हो जाए। इल्म वाले से अगर हसद हो जाए तो हासिद ये चाहता है कि उसका इल्म ख़त्म हो जाए। मनसब वाले से अगर हसद हो जाए तो हासिद ये चाहता है कि वो उस मनसब से निकल जाए, उतर जाए। लिहाजा हासिद हमेशा महसूद का, जिससे हसद कर रहा है उसका बुरा चाहेगा, लेकिन इस हासिद को पता नहीं है कि उसको वो चीज़ देने वाली ज़ात कौन सी ज़ात है। उसका अपना कोई कमाल नहीं है, उसको वो मुकाम जो मिला है वो अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और अल्लाह का मंशा है। यानी ये अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहा है, अल्लाह के मंशा के ख़िलाफ़ जा रहा है, अल्लाह की तकसीम के ख़िलाफ़ जा रहा है। अल्लाह की तकसीम पर, अल्लाह की मर्ज़ी पर ये राज़ी नहीं है, अल्लाह के मंशा पर राज़ी नहीं है। अल्लाह के मंशा पर इसको शिकवा है, अल्लाह की तकसीम पर इसको शिकवा है। ज़रा अंदाज़ा करें कि कितना ख़तरनाक गुनाह हसद है। हसद से बड़ा कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि शैतान सबसे पहले जिस गुनाह में मुब्तला हुआ वो हसद है। शैतान को सबसे पहले हमारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हसद हुआ, वहाँ से फिर वो तकब्बुर की तरफ चला, फिर वहाँ से अल्लाह की नाफरमानी की तरफ चला, गुस्साखी की तरफ चला, यहाँ तक कि लानती बना दिया गया। तो हसद बड़ा ख़तरनाक गुनाह है दोस्तों, हसद से तौबा करनी चाहिए। और ये पेश नज़र रखना चाहिए कि मैं किससे हसद कर रहा हूँ, जिसको अल्लाह ने रिस्क दिया, उसका अपना कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने उसको रिस्क दिया तो वो अल्लाह की तकसीम है। जब अल्लाह की तकसीम है तो इस बंदे से हसद करके क्या करूँगा, इसका तो कोई कमाल ही नहीं है रिस्क में, इसके पास रिस्क है तो उस रिस्क के हासिल करने में इसका कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने उसको रिस्क दिया।
इसके कोई कमाल नहीं है। अगर इसके पास दौलत है, अल्लाह ने उसको अपनी मर्ज़ी से दौलत दिया है, दौलत अल्लाह की, अल्लाह उस दौलत का मालिक हकीकी है, अल्लाह ने उसको अमानत के तौर पर दिया है, तो मुझे हसद करने की क्या ज़रूरत है जब वो उस दौलत का मालिक ही नहीं है। अगर किसी घर वाले से मुझे हसद हो जाए तो ये ख्याल करना चाहिए कि ये घर तो उसका नहीं है, इस घर का हकीकी मालिक अल्लाह है। जब ये मालिक है ही नहीं है बल्कि आखिरत में जाके उसको अपने उस घर का हिसाब देना है, तो फिर मैं उससे हसद करके क्या करूँगा जबकि वो मालिक ही नहीं है उसका। इसी तरह किसी को अल्लाह ने इल्म की दौलत से मालामाल किया है, किसी को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है, तो हमको ये ख्याल करना चाहिए कि उसको तो अल्लाह ने इल्म दिया है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की तकसीम है, लिहाजा अल्लाह की तकसीम पर मुझे शिकवा करने की क्या ज़रूरत है, मुझे हसद अपने दिल में रखने की क्या ज़रूरत है। तो ये नज़र जब पैदा करेंगे, अल्लाह की तकसीम वाली नज़र जब पैदा करेंगे कि हर चीज़ अल्लाह ने तकसीम फरमाई है, अल्लाह ने मुकद्दर हर एक का वैसा बनाया है, तो जब अल्लाह के उस फैसले पर हम नज़र रखेंगे तो किसी से हसद दिल में नहीं होगा। हाँ, अल्लाह के उस फैसले को नज़र से हटाकर हम ये समझेंगे कि इस बंदे के पास ये है, उस बंदे के पास वो है, उस बंदे के पास वो है, मेरे पास नहीं है, ऐसा अगर सोचेंगे तो ज़रूर दिल में हसद होगा। और जब दिल में हसद होगा, बुग्ज़ होगा, नफ़रत होगी, अदावत होगी, दुश्मनी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। इसी तरह जो शराब पीने वाला है उसको पहले अपनी शराब को छोड़ना होगा, तभी आज की रात की रहमतों से वो मालामाल हो सकेगा, वरना वो अल्लाह की रहमतों से मालामाल नहीं हो सकेगा। जो ज़िना करने वाला है उसको हर तरह का ज़िना छोड़ना होगा और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करना होगा। जब तक वो ज़िना तर्क नहीं करेगा उस जानी को अल्लाह तबारक व तआला आज की रात मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। इसी तरह जो शिर्क करने वाला है उस मुशरिक की भी अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। वालिदैन की नाफरमानी करने वाला है, वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है, वालिदैन को तकलीफ़ दे रहा है और ये समझ रहा है कि बस शबे बरात आ गई और मग़फ़िरत वाली रात है, अल्लाह आज की रात मेरी मग़फ़िरत कर दिया, तो ये गलत ख्याल है। याद रख लेना चाहिए कि जो माँ बाप की नाफरमानी करने वाला होता है, उनको तकलीफ़ देने वाला होता है, अल्लाह तबारक व तआला आज की रात उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। लिहाजा अगर कोई बदबख्ती से अपने माँ बाप को तकलीफ़ देने वाला है और माँ बाप अगर उनके बाहियात हैं, तो पहले उनसे माफ़ी मांगे, पहले उनकी बारगाह में रुजू हों, पहले उनसे अपने हकूक़ माफ़ करवा लें, पहले उनसे जो है आप उनकी बारगाह में पेश होकर पहले आप उनसे माफ़ी मांगे। जब वो माफ़ कर देंगे अल्लाह तबारक व तआला भी इंशाअल्लाह ज़रूर माफ़ फरमाएगा। तो ये चंद चीज़ें आपके सामने रखना था। इसके अलावा जो नौजवान बच्चे हैं रात रात भर जो है गाड़ियों पर, बाइक्स पर और रात रात भर इस तरह के गलत काम करते हैं, ये काम फ़ी नफ़्सी ही तो गलत नहीं है, लेकिन इन ख़ास लम्हात में, इस ख़ास मौके पर इस क़दर गफलत बरतना, ये बेशक शैतान का एक धोखा है। शैतान हरगिज़ ये न चाहेगा कि बंदा आज की रात अल्लाह के राह में रुजू होकर तौबा कर ले और अल्लाह उसको माफ़ कर दे, शैतान तो हरगिज़ ये नहीं चाहेगा। तो शैतान क्या करेगा, भाई जागना है किसी भी तरह, तो अब जागने का मतलब क्या, अब नौजवान बच्चे समझने लगेगा चलो जागना है तो चलो कोई बाइक रेसिंग कर लो, रेसिंग में अपने आप को मशगूल करके जागो, फजर तक जागना है, कोई बाइक चला कर जाग रहा है, कोई कार चला कर जाग रहा है, कोई इधर उधर बैठकर तमाशे देखकर जो है जाग रहा है, कोई बेकार बातों में मशगूल होकर जाग रहा है, कोई खेल कर जाग रहा है। तो जागने का मतलब सिर्फ ये आँखों का जागना नहीं है कि अपने आप को किसी भी तरह मशगूल रख के जागो, बस सिर्फ जागना है फजर तक, ऐसा नहीं है जागने का, इससे अच्छा सो जाना है। अगर ये गलत कामों में अगर हमको जागना है, गुनाहों में अगर हमको जागना है, इससे बेहतर ये है कि आप न जागें और शब बरात में इशा की नमाज़ अदा करने के बाद सो जाएं फजर तक, बस सोते रहें। खाली सो जाना उतना नुकसान नहीं देगा जितना कि इन गलत कामों में मशगूल होना नुकसान देगा। बस आप इशा की नमाज़ अदा कर लें, सो जाएँ फजर तक, सोएँ फजर की नमाज़ के लिए फिर उठें, कोई हमारे नामे आमाल में जो है उसका गुनाह नहीं लिखा जाएगा कि आज की रात क्यों नहीं जागा। हाँ, जागना है, लेकिन कैसे जागना है, इबादतों में अपने आप को मसरूफ़ करके जागना है। फिर आज की रात अपने मरहूमीन को भी याद रखना है, सुन्नत रसूल है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आज की रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान को तशरीफ़ ले गए और वहाँ के मरहूमीन के लिए आप दुआ फरमाएँ। लिहाजा इस सुन्नत के पेश नज़र हमको ज़ियारत कुबूर भी करना है, लेकिन उसके जो आदाब है, उसके जो तरीक़े हैं, उनको मलहूज़ रखना है। ज़ियारत कुबूर यानी कब्रों की ज़ियारत करना है, वहाँ मरहूमीन के लिए अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला उन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, कुछ हमारी इबादतों को जो सवाब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मिलता है, उस सवाब को उन मरहूमीन के नाम से ईसाल भी करना चाहिए, उनको वो सवाब पहुँचाना भी चाहिए। और कब्रों की ज़ियारत करते वक्त बिलखसूस बिदातों से बचना चाहिए, जो आदाब है ज़ियारत कुबूर के उन आदाब को पेश नज़र रखना चाहिए। लिहाजा कब्रस्तान के पास जाकर
गलत काम करना और कब्रिस्तान के पास जाकर, कब्रों के पास जाकर कोई जो है आतिशबाजी कर रहा है, कोई वहाँ पर धुआं लगा रहा है, कोई अगरबत्ती मोमबत्ती लगा रहा है, ये तमाम गलत कामों से परहेज़ करना चाहिए। शरीयत इस्लामिया के अंदर ये तमाम कामों की कोई क़तान इजाज़त नहीं है कब्रिस्तान के अंदर। लिहाजा जब हम ज़ियारत कुबूर के लिए जा रहे हैं तो आदाब का लिहाज रखें, कब्रिस्तान की दुआ पहले पढ़ें, उसके बाद जिसके भी कब्र पर आप जाएँ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इस मरहूम या मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा दे। और औरतें कब्रिस्तान जाने से परहेज़ करें, वो अपने घर में ही अल्लाह तबारक व तआला से अपने मरहूमीन के लिए दुआ मांगे। लिहाजा ये चंद काम हैं जो करने के हैं और ये चंद काम हैं जो नहीं करने के हैं। इन बातों का हमको ख्याल करना चाहिए, जो करने के काम हैं उनको करना चाहिए और जिन कामों से बचना है और जो काम नहीं करना है आज की रात उन कामों से अपने आप को रोकना चाहिए, बिदातों से परहेज़ करें। कई लोग ये समझते हैं कि आज की रात जो है मुर्दों की ईद की रात है, ये एक इस्तिला चल पड़ी, बड़ों की ईद है, मुर्दों की ईद है, पता नहीं ये इस्तिला कहाँ से चल पड़ी है। ईद का लफ्ज़ तो कहीं पर अहादीस में आज की रात के लिए तो लिखा हुआ नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए कब्रिस्तान और उन मरहूमीन के लिए दुआ फरमाए, तो मरहूमीन के लिए दुआ करना है। अब ये भी रिवाज बाज़ जगह देखा गया है कि जिस मरहूम के लिए हम दुआ कर रहे हैं और उसको सवाब पहुँचा रहे हैं उसके पसंद की कोई चीज़ सामने रखकर फातिहा दिलाएँ और उसके पसंद की किसी चीज़ को तकसीम करे तब ही उसको सवाब पहुँचेगा वरना नहीं पहुँचेगा, ये तसव्वुर भी गलत है। बस देहातों में गाँव में इस कदर जहालत है कि अगर जो मर गया है मरहूम उसको अगर शराब पीना पसंद था अस्तग़फिरुल्लाह तो शराब भी सामने रखी जाती है और शराब को तकसीम किया जाता है ताकि इसका सवाब उसको पहुँच जाए, माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह। अगर कोई गलत काम, अगर किसी को कोई ख़ास किस्म का लिबास उसको अगर पसंद था या कोई अगर मरहूमा है तो उसको कोई ख़ास किस्म की साड़ी या कुछ ऐसा लिबास पसंद था तो उस बिल ऐसा माना जाता है कि बिलखसूस वो लिबास को ख़रीद कर उसको जब हम फ़कीरों में तकसीम करेंगे तभी उस मरहूम या मरहूमा को उसका सवाब मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये तमाम चीज़ें गलत है, इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहिए बल्कि कुरान खानी करें और दुरूद शरीफ की महफिल रखें, इसका सवाब जब मरहूम और मरहूमा को पहुँचाएँगे तो बदर जहाँ उसका सवाब उनको मिलेगा। तो गलत काम जो है वो गलत कामों से अपने आप को बचाएँ, फजूल कामों से अपने आप को बचाएं, लघू कामों से अपने आप को बचाएं, गफलत से परहेज़ करें। ये रात गफलत वाली रात नहीं है, ये रात मौला को मनाने वाली रात है, ये रात मौला के सामने सजदे में सर रख के रोते हुए अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की रात है, ये रात जो है अल्लाह तबारक व तआला से लेने की रात है, अल्लाह देने के लिए तैयार है लेने वाली रात है। लिहाजा खुदा के वास्ते गफलतों में मत रहिए और खुदा के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ मत कीजिए, ये अल्लाह को राज़ी करने वाली रात है, लिहाजा राज़ी करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, हमको सच्ची पक्की तौबा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए, हमारी तौबा को, हमारे इस्तिग़फ़ार को, हमारी इबादतों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आज की रात की क़दर करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज की रात अल्लाह जो हमारा मुक़द्दर अल्लाह तबारक व तआला लिख रहा है तो हमारे मुकद्दर में अल्लाह ताला खैर अता फ़रमाए और उस मुकद्दर पर हमको राज़ी रहने के अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए। वालिदैन की नाफरमानी करने से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए, किसी से बुग्ज़ और कीना और हसद रखने से अल्लाह तबारक व ताला हमारे कल्ब की हिफाजत फ़रमाए, शराब से हिफाजत फ़रमाए, ज़िना से अल्लाह तबारक व ताला हिफाजत फ़रमाए, शिर्क से अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, जो भी बदआमालियाँ जो हमारी मग़फ़िरत में रुकावट बन सकती हैं अल्लाह ताला उन बदआमालियों को दूर फरमाए और उन बदआमालियों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला आज की रात की रहमतों बरकतों मग़फ़िरतों से मालामाल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमको आज की रात कामिल मग़फ़िरत फरमा दे और एक इनकलाब हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला पैदा कर दे और हम आज के बाद से अल्लाह के सच्चे बंदे बनकर अल्लाह तबारक व तआला के बनकर अल्लाह के उसके रसूल की मर्ज़ी और मंशा पर चलने वाले हम बन जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।